इसको बोलते हैं एप ऑफ लाइट। ये बहुत रेयर है, 6 करोड़ साल पुराना शंख है। इसको काटा तो इसके अंदर शिवलिंग निकला है, यहाँ ओम दिखता है। अंबर है, अंबर के अंदर मस्कीटो है जैसा जुरासिक पार्क फिल्म में दिखाया था। इसको ऐसे दबाते हैं तो पत्थर है और सैंडस्टोन है और हिलता रबड़ के। ये राजस्थान का पहला फ्रीजर केरोसिन से चलता था। वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग, नमस्कार, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। मैं हूं आपका अपना दोस्त निशांत। ये फॉसिल स्टोन का है। अगर आप जैन मंदिर से थोड़ा सा बाहर आएंगे तो आपको लाइट ऑफ द ईस्ट नाम से एक शॉप मिलेगी। इस शॉप में आना, आपको ये ग्लास दिखेगी यहाँ पे। इस ग्लास के बारे में क्या है वो अंकल जी से जानते हैं? हाँ जी, ये फॉसिलाइज्ड लाइमस्टोन है। इसके ऊपर सारे फॉसिल्स के इम्प्रेशन है। बरसों से लोग इसमें पानी पीते हैं, हेल्थ के लिए फायदा है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, बाइल्स, हार्ट, मस्कुलर पेन के लिए रात को पानी भर के सुबह पीते हैं। और दूसरा पत्थर जो यहाँ निकलता है वो ये है, इसमें दही अच्छा जमता है जिसका किला बना हुआ है सैंडस्टोन। और कुछ चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं जो हम बेचते नहीं हैं। ये पीस ऐसे ही निकला है, इसको बोलते हैं ऐप ऑफ लाइट। ये बहुत रेयर है, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ इंडिया में है और कहीं नहीं। अच्छा, ये हाँ, तो मेरी हॉबी थी, उसी को मैंने बिजनेस बनाया और जगह जगह से कलेक्ट किया। ये देखिए, ये 6 करोड़ साल पुराना शंख है। ये सब नॉट फॉर सेल की चीज़ें दिखा रहा हूँ। 60 मिलियन इसके कार्बन डेटिंग करके एज निकाली है। और इसको अच्छा। काटा तो इसके अंदर शिवलिंग निकला है, यहाँ ओम दिखता है। वाह, इसके अंदर पानी है करोड़ों साल पुराना। ये स्फटिक है और ये ऐसे आग बनी हुई है ये पत्थर में। अच्छा, ये पत्थर में आग बनी हुई थी? हाँ, ऐसी मिली है, नेचुरल है कलर सारे। इसके अंदर ओम लिखा हुआ मिला है। ये जो पत्थर देख रहे हैं आप, इसके अंदर ये ओम लिखा हुआ मिला था, पहले से किसी ने लिखा नहीं है। ये अंबर है, अंबर के अंदर मस्कीटो है जैसा जुरासिक पार्क फिल्म में दिखाया था, जिसका वो डीएनए लेके डायनासोर क्रिएट करते हैं फिल्म में। इसके अंदर भी 2 करोड़ साल पुराने मच्छर रह गए। ये जो पत्थर आप देख रहे हैं, इसमें शिवलिंग निकला हुआ है। ये किसी ने बनाया नहीं है काट के, या किसी ने खुद से नहीं बनाया। ये जो अंदर शिवलिंग है, ये नेचुरल शिवलिंग है अंदर। ये बहुत रेयर है, ये भी ये पूरी दुनिया में सिर्फ इंडिया में है। इसको ऐसे दबाते हैं तो पत्थर है और सैंडस्टोन है और हिलता रबड़ की तरह। ये देखिए, रबड़ की तरह हिलता है। वैसा ये पत्थर जो देख रहे हैं, ये पूरा हिलता है और ये दुनिया में सिर्फ इंडिया में अवेलेबल है। अगर आप आते हैं तो एक बार यहाँ पे जरूर आइएगा। बाकी अगर आप कुछ मंगवाना चाहते हैं यहाँ से तो आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। बाकी ऑनलाइन अगर आपको मंगवाना है तो मैं सर का नंबर दे रहा हूँ आपको, नीचे डिस्क्रिप्शन में इनके नंबर भी मिल जाएंगे। बाकी कार्ड है अगर देखना हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, यहाँ से आपको दिख जाएंगे। 1974 में एक मूवी बनी थी जिसका की नाम है सोनार किला। इसमें मुकुल का जो घर होता है वो ये वाला घर था, ये वाली जगह जी। ये जो मंदिर देख रहे हैं, ये रत्नेश्वर महादेव का मंदिर है। 650 साल पुराना मंदिर है। अगर आप मंदिर के जस्ट सामने देखेंगे तो आपको दिखेगा श्री विष्णु भगवान का मंदिर। ये विष्णु भगवान का मंदिर है, ये भी 650 साल पुराना है। हाँ जी, तो अभी आ गए अपन सिटी व्यू पॉइंट पे। यहाँ पे जो है पुरानी एक टॉप भी लगी हुई है, पहले ये पहियों पे थी बट आज इसको फिक्स कर दिया गया। पीछे की तरफ जो है वहाँ पे आप देखेंगे तो वो है पटवा हवेली। पटवा हवेली बोले तो उस टाइम पे जो बिजनेसमैन होते थे उनकी हवेली है। बाकी यहाँ से पूरी सिटी का जो व्यू दिखता ना, इतना प्यारा और इतना गजब का है। ये जो देख रहे हैं आप, ये छत पूरी लकड़ी की बनी हुई है और पुरानी उसी टाइम की, रोड के ऊपर है बिल्कुल। हाँ जी, तो ये जो आप देख रहे हैं ये राजा का महल, और इसके जस्ट राइट हैंड साइड में आप ये देख रहे हैं ये रानी का महल है। एक बार इसके अंदर भी जा के आ जाते भैया। बाकी जैसलमेर में अपन ने भैया के एडवर्टाइजमेंट स्टाइल देखो, लोगों को बुलाने के लिए एक बार।
जूस पिया सारू छे ने वो ऑस्ट्रेलिया वाला भैया एक बार ऑफिस ऑस्ट्रेलियन इंग्लैंड नीदरलैंड कम हियर जी। तो अभी आ गए अपन राजा के महल में, अभी आ गए अपन शस्त्रालय में, और ये देखिए छत है भाई साहब उस टाइम की लकड़ी की बनी और उसके ऊपर शायद से चूना चढ़ाया हुआ था। क्या बात है यार, भाई साहब ये ओरिजिनल बंदूक है जी। तो ये है उस टाइम का सिंहासन जो चांदी का बना हुआ दिख रहा है यार, कितना प्यारा है। हाँ जी, तो महल से तो घूम के अपन बाहर आ गए। हाँ जी, तो वैसे ये था जैसलमेर फोर्ट जहाँ पे अपन अभी अच्छे से घूम चुके हैं। तो अभी चल रहे अपन पटवा हवेली के रास्ते पर, इतनी प्यारी गली से होते हुए जा रहे ना, संकड़ी सी गली, उधर लग अच्छी रही है, अच्छा फील आ रहा है। पटवों की हवेली पांच हवेलियों का एक समूह है। पहली हवेली का निर्माण 1805 में करवाया गया था। हर एक हवेली में अलग अलग तरीके की सुविधाएं है, हर हवेली में अलग तरीके का आर्किटेक्चर है। पांचों हवेलियां अगर आप देखते हैं तो बाहर से आपको बड़ी खूबसूरत सी लगेगी। हां जी, तो अभी आ चुके अपन बिल्कुल पटवा हवेली। ये जो अभी आप देख रहे हो ये उस टाइम की तिजोरी है भाई। यहाँ से ये अंदर रख के ये जो पत्थर है ये पूरा आगे आ जाता था। अच्छा, तो ये है फीमेल्स का ड्रेसिंग रूम। इस तरफ देख रहे हैं अभी सारा, वहाँ पे चूड़िया वूड़िया पड़ी है। अपनी फीमेल सब्सक्राइबर्स के लिए एक बेस्ट गिफ्ट लेके आया हूँ। अगर किसी को 16 श्रृंगार नहीं पता हो तो इस वीडियो को पॉज करके एक एक देख लेना। ऊपर की तरफ हर एक ब्रैकेट में 16 श्रृंगार को बताया गया है। इन दीवारों पर आप ये जो गोल्डन पेंट देख रहे हैं, एक्चुअल में ये गोल्डन पेंट नहीं है, ये सोने का पानी है जिसको कि यहाँ पे पेंट किया गया है। ये ओरिजिनल गोल्ड है और ये पूरा में कर रखा है, ऐसी एक भी जगह बची नहीं है जहाँ पे नहीं है। ये सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है यहाँ पे पटवा वैली में। ये जो आप देख रहे हैं ये रूम हीटर है उस टाइम का। ये जो देख रहे हैं ये राजस्थान का पहला फ्रिज है जो कि पटवों की हवेली में लाया गया था, जो कि इलेक्ट्रिसिटी से नहीं चलता था, केरोसिन से चलता था। सीरियसली ये चीज मुझे आज पता चली, कितना अमेजिंग है, कितना गजब का है यार। हाँ जी, तो फाइनली पटवा हवेली में नीचे घूम घूमवा के सब कुछ देख देखा के अभी आ चुके हैं ऊपर की तरफ। बाकी पटवा हवेली के टॉप से पूरा जैसलमेर फोर्ट जो है वो दिखता है। ये जो आप जगह देख रहे हैं इस जगह पे हम साथ साथ है मूवी की शूटिंग हुई है। आपको याद हो तो सलमान खान इन्हीं सीढ़ियों के ऊपर बैठा हुआ होता है। कोई पिक मिल गया तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा। वैसे अगर आप पूरी पटवा हवेली में जो नकाशा देखेंगे दीवार के ऊपर, इतनी प्यारी लग रही है देखो यार, मतलब ये जो पत्थर में बनाई हुई है उस टाइम पे कैसे बनाई होगी, ये चीज बड़ी सोचने वाली है, कितनी प्यारी है यार। इवन दरवाजे भी इसी डिजाइन में इसी तरीके से बनाए हुए हैं, रियली बड़े खूबसूरत अमेजिंग है। ये बाइक कैसी लगी बता देना मेरे को कमेंट करके एक बार, ये उठा लेते हैं फिर।
हाँ जी, तो पटवा हवेली तो अपन घूम चुके हैं, अब यहाँ से चलते अपन सीधा होटल की तरफ। होटल जाके लंच वंच करते हैं कुछ ना कुछ, उसके बाद अपन सीधा निकलेंगे आगे अपनी आज की डेस्टिनेशन जहाँ पे अपन घूमने जाने वाले। हाँ जी, तो जैसलमेर में तो प्रॉपर अपन घूम घूमा के आ गए हैं होटल में। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ खाते पीते देखते हैं, कुछ ना कुछ लंच वंच करते हैं। ब्रेकफास्ट अपने कुछ किया नहीं, सुबह कचौरी वचोरी कुछ खाई थी। यहाँ पे लंच करने के बाद अपन निकलेंगे सीधा कुलधरा के लिए। कुलधरा क्या है, वैसा मोस्ट हॉन्टेड प्लेस है, जानते होंगे आप। अगर नहीं जानते तो भैया गूगल सर्च मत करना। बाकी यहाँ तक वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके एक बार जरूर से बता देना। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।